बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात कर रहे हैं थोड़े से प्रश्न और उत्तर की। तो हमने जो चैप्टर करा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, आज हम देखते हैं जो आपके बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको हम आपको लिखकर एक बता सके। और दूसरा ये है कि जब हम ये उत्तर पढ़ते हैं तो एक आसानी होती है, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेशन बना लेते हैं। तो वो मैं कोशिश करती हूँ जैसे आपको याद आए कि अच्छा हाँ ये हमने टॉपिक में पढ़ा था। और अगर आपको कहीं एक लगता है कि ये हमने कहाँ पढ़ा था और कुछ आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप उस सेशन में फिर से आप जाइए, सुनिए वो सेशन, और जो बुक में हमने मार्क करा है उसको पढ़िए, तो एक आपको रिविजन में हेल्प मिलेगी। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो हम लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो कुछ रेशे जो प्राकृतिक नहीं होते हैं बल्कि मानव निर्मित होते हैं, उन्हें हम संश्लेषित कहते हैं। और ये रेशे इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें बहुलक कहते हैं, मीन्स पॉलीमर। रेयॉन, नाइलॉन, एक्रिलिक आदि संश्लेषित रेशे के कुछ उदाहरण हैं। तो ये हमारा है कि संश्लेषित क्यों कह रहे हैं हम, कहें क्योंकि इनको हमने सिंथेसाइज करा है, हमने इनका संश्लेषण करा है, ये हमें बाय नेचर नहीं मिले हैं, इसलिए हम कुछ रेशों को संश्लेषित कहते हैं। दूसरा जो इस आंसर के थ्रू मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि यहाँ जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिख दिया थोड़े उदाहरण एग्जाम्पल्स, तो अगर आप हमेशा, कभी कभी बच्चे ये गलती करते, हमसे तो उसमें लिखा नहीं था कि उदाहरण दीजिए, और हम फिर उदाहरण क्यों दें, और फिर आपके थोड़े से नंबरों पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे करें कि जहाँ आपसे ऐसी कुछ एक परिभाषा रूप में पूछा जा रहा है और उसका आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है, तो अच्छा होगा अगर आप वो एग्जाम्पल्स दें तो आपका एक उत्तर कंप्लीट माना जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आज का प्रश्न है, आपको सही उत्तर पे चिन्हित करना है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो यहाँ देखें कि अगर हम के इसका क्या उत्तर होगा, पहले आप सोचिए। चलिए पहले उत्तर मार्क कर लें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। क्या है इसका? खा है ना, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ देखिए अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो थोड़े हमें कंफ्यूजिंग है कि हाँ ये रेशम समान दिखता है, लेकिन हम इसको संश्लेषित रेशा की उसमें रख रहे हैं कि हम इसे रेयॉन को संश्लेषित रेशा नहीं कहते हैं, क्यों, जबकि हम इसका एक देखें तो हम इसका एक लुगदी से हम बना रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल है, हम इसमें कोई केमिकल्स नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको संश्लेषित कैटेगरी में नहीं डालेंगे। और समान अगर कहें, जैसे रेशम जैसा समान दिखता है, तो जैसे हमने एक्रेलिक का कहा था कि हम ऊन का हमने उससे कंपेयर करा था, तो समान दिखना अलग है, लेकिन उसका बनाने की क्या प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग पे हम एक कहें एक डिसीजन लेते हैं कि ये संश्लेषित है, या अगर हम कहें ये एक नेचुरल रूप में हमें मिलता है। फिर अब हमारे टाइम आ रहा है फिल इन द ब्लैंक का। चलिए सोचिए क्या आएगा। संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो क्या आएगा पहले में? संश्लेषित रेशे मानव निर्मित भी कहलाते हैं अथवा क्या कहलाते हैं? कृत्रिम, मीन्स आर्टिफिशियल। तो ये जो हमारे देखिए, अब हमारे संश्लेषित रेशे सिंथेसाइज करके जो बने हैं, तो वो हमारे उसका हमारे नाम आ रहे हैं कि ये हम कहेंगे इनको सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं, हम इनको मानव निर्मित भी बोल सकते हैं, हम इनको आर्टिफिशियल कृत्रिम भी बोल सकते हैं। फिर संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, याद है आपको? चलिए देखते हैं, पेट्रो रसायन कहलाते हैं। आपको याद है मैंने जब सेशन लिया था उसमें बताया था कि जब हमें क्रूड ऑयल जब हमें मिलता है
तो हमें ऊपर तो हमें पेट्रोल मिल जाता है, फिर डीजल है, केरोसिन ऑयल है, तो हमें वैक्स है, तो ये सब चीजें मिलती हैं। तो नीचे का ये जो एक कहे ना, बिल्कुल जो सारे हमारा सिंथेसिस हो गया है, और जो बिल्कुल नीचे का जो एक बचता है उसमें से ये हमें कुछ चीजें मिलती हैं जिनको हम पेट्रो रसायन बोलते हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। संश्लेषित रेशा की बात ही प्लास्टिक भी एक, याद आ रहा है आपको, है ना, पॉलीमर है ना। तो ये हमने एक यहाँ पर इस टाइप से जो हमारे फिल द ब्लैंक है वो कर लिए हैं। अब जो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है वो है, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताएं जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हो। नायलॉन, कितना हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो नायलॉन एक बहुत ही मजबूत रेशा है, जिसके कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट में, चट्टान पर चढ़ने की रस्सी, मछली पकड़ने का जाल, सीट बेल्ट आदि के लिए किया जाता है। एक नायलॉन धागा लचीला और हल्का होता है, परंतु स्टील के तार से भी मजबूत होता है। तो ये हमारा उत्तर है, लेकिन इसके साथ थोड़ी टिप। आप देखिए, ये उत्तर हमारे बहुत प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। अगर आपसे सिंपल, ये जितने मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, या आपको और भी कोई आपके टीचर और भी एग्जाम्पल देकर पूछ सकते हैं कि यहाँ मछली पकड़ने का जाल किसका बना होता है और क्यों, किसी चीज का हम एग्जाम्पल लेकर पूछ सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए नायलॉन का बना होता है। और क्यों? क्योंकि ये लचीला भी है, हल्का भी है, और इसके अंदर एक मजबूती भी है। तो यहाँ आपसे कोई भी एग्जाम्पल करे कि इसका के हम इसमें, या नायलॉन के धार रेशो का हम क्यों उपयोग करते हैं, तो जैसे अगर हम कहें कि ये पैराशूट में नायलॉन के हम क्यों यूज करते हैं नायलॉन के रेशो का, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें स्टील के तार से भी अधिक मजबूती है। ठीक है, सो ऐसे हमारे जो उत्तर होते हैं उनसे हमारे और बहुत से प्रश्न बन जाते हैं, और फिर हमें उत्तर भी उसमें से मिल जाते हैं। अब जो हमारा प्रश्न आ रहा है वो है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के तीन प्रमुख लाभ बताएं। तो यहाँ पे जो है, जो प्लास्टिक के कंटेनर क्या होते हैं, इनका ये जो हमारे निम्नलिखित जो कारण है उनके भंडारण के क्यों करते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर हल्के वजन के होते हैं, इसलिए उन्हें संभालना आसान होता है। अन्य पात्रों की तुलना में प्लास्टिक के पात्रों का मूल्य बहुत कम है। प्लास्टिक के पात्र मजबूत होते हैं, अर्थात आसानी से नहीं टूटते हैं, और प्लास्टिक के पात्र टिकाऊ होते हैं। तो यहाँ पे तीन प्रमुख लाभ थे, हमने चार दे दिए, तो ये तो एक टाइप से हम आपको एक्स्ट्रा एक बोनस पॉइंट दे दिया है। तो यहाँ पे आप, मैंने जैसे कहा था ना कि आप बिल्कुल इसको एक कॉमन याद रखें कि प्लास्टिक से रिलेटेड जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है कि इसमें हम प्लास्टिक क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसमें मूल्य कम है। आप ये भी कह सकते हैं ये अनेक रंगों में हमें एक मिल सकता है, हम इनका संभालने में हमें इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आप इसमें एक ये भी पॉइंट दे सकते हैं कि इसका किसी के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, ना तो वायु से होती है ना जल से होती है, आप ये वाला भी पॉइंट दे सकते हैं। और टिकाऊ तो हमने बात कर ही ली है, तो यहाँ पे आप इसके ये प्लास्टिक के कई पॉइंट्स हैं, आप सारे हमने नोट्स में भी आपको दिखाए थे, वो सारे पॉइंट्स आप याद रखें। फिर आपसे तीन पूछ रहे हैं, आप तीन लिखिए, पांच पूछ रहे हैं पांच लिखिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप एक लिख सकते हैं। फिर हमारा है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर, जो उनके बीच में जो अंतर है उसको स्पष्ट कीजिए। सो यहाँ पे देखते हैं, थर्मोप्लास्टिक का है प्लास्टिक जो आसानी से गर्म होने पर खराब हो जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग, मैंने आपको पहचान बताई थी, जिसे एक बार, अब हमारा प्रश्न आता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो थर्मोप्लास्टिक जो है प्लास्टिक जो आसानी से गर्म होने पर खराब हो जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं।
और प्लास्टिक जिसे जब एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उसे गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, इसे थर्मोसेटिक कहते हैं। फिर हम इसका आगे देखते हैं, पॉलिथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन थर्मोसेटिंग के कुछ उदाहरण हैं। तो ये आप, मैंने आपको हिंट पहले अपने सेशन में बताया था, तो वो ध्यान रखें। और फिर थर्मो जो आपका ये प्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग वाले, इसके उसके अकॉर्डिंग आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघी और विभिन्न प्रकार के पात्रों के निर्माण में होता है, और बेकेलाइट का उपयोग विद्युत स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फर्श टाइल्स, उष्मारोधी बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये बेकेलाइट है, तो यहाँ पे आप मेलेमाइन का यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मिस हो गया। मेलेमाइन का उपयोग फर्श टाइल्स, उष्मारोधी बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता है। सो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे, और अगर हम देखें तो ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो, और हमने बेसिक जो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक हैं, क्या नाम है उनकी, क्या क्वालिटी है, वो अगर हमने दिमाग में रख लिए, तो हमें उत्तर लिखने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो जितने आप को जो उत्तर अपनी कॉपी में नोट करने हैं, तो आप हमारा हर स्लाइड पे आप पॉज करें और अपने कॉपी में ये सारे उत्तर लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आपको याद करना रहेगा, ये रिवाइज करके फिर आप अगर अपने आप इनके उत्तर दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। अगले सेशन में थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।